इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे जयंतिया रियासत की कहानी। भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर 1947 में प्रमुख तीन रियासतें हुआ करती थी। एक था मणिपुर, दूसरा था त्रिपुरा और तीसरा था कूच बिहार। पर 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इस क्षेत्र में पहले आया, तब यहाँ पर कई ऐसी ताकतवर और ऐतिहासिक रियासतें हुआ करती थी जिन्होंने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया। उनमें से ही एक थी जयंतिया रियासत, जो भारत का मेघालय राज्य है। उसके तीन प्रमुख हिल ट्रैक्ट्स हैं, एक है गारो हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स और तीसरा है जयंतिया हिल्स। और इन्हीं जयंतिया हिल्स पर और जो बगल में जो बांग्लादेश का सिलेट डिस्ट्रिक्ट है, उस वो सारा आता था जयंतिया राज के अंडर। अब जयंतिया राज की कहानी समझने के लिए हमें एंशंट पास्ट में, बहुत प्राचीन काल में जाना पड़ेगा। उस समय ये जो पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न भारत है, वो पूरा जंगल, रिवर वैलीज, वो पूरा एक घने जंगल यहाँ पर हुआ करते थे। और उनमें फिर धीरे धीरे अलग अलग जगहों से ये ट्राइब्स आकर बस जाती थी। इतिहास में कभी, यू नो, प्राचीन इतिहास में कभी चीन से, दक्षिणी चीन से एक सिंगसियन करके एक ट्राइब यहाँ पर आकर बस गई इन इलाकों में। वो प्राइमरीली हंटर्स थे और जंगलों में जाकर हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे एंड ऑल। आगे चल के ही इस सिंगसियन ट्राइब जो ओरिजिनली चाइना से आया था, उसके फिर दे इवॉल्व्ड इनटू, एक तो खासी पीपल और दूसरे थे जिसने नार या जयंतिया भी कहा जाता है। अब इन उनकी अपनी संस्कृति थी, उनके अपने रिलीजियस बिलीव्स थे और एक रिलीजियस सिस्टम था। वो एंसेस्टर वर्शिप हो या अपने भगवान हो, उन्हें वर्शिप करते थे। अब ये जो ट्राइब है, वो उनके छोटे छोटे यूनिट्स हुआ करते थे जिन्हें डलोई कहा जाता था और जिनका एक चीफ हुआ करता था। और ये ऐसे 12 से 15 डलोई मिलकर वो जयंतिया राज्य बना था। जयंतिया राज के इतिहास में एक प्रमुख नाम आता है राजा गोहक का, जो 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर राज किया करते थे। उनके राज के अधीन आता था जो आज का जो मेघालय का जो जयंतिया हिल्स है वो भाग, जिसे पहाड़ी भाग कहा जा सकता है, और जो फर्टाइल प्लेन्स थे जो आज सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में आते हैं, वो पूरा एक बड़ा राज्य फैला हुआ था। राजा गुहक के शासनकाल से जुड़ी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि राजा गुहक की एक बेटी थी जिसका नाम था शीला, और जिसका बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया था। और अपनी बेटी के नाम पर ही उन्होंने एक हाट का निर्माण किया, एक बाज़ार का निर्माण किया जिसका नाम शीला हाट था। और आगे चल के ही यही शीला हाट फिर आज का जो बांग्लादेश का सिलेट शहर है, वो उसी के नाम से पड़ा है। ये एक कहानी है। राजा गुहक के तीन बेटे थे और राजा ने अपने तीनों बेटों में अपना राज विभाजित करके बांट दिया। उनके जो बड़े बेटे थे जयंतक, उन्हें जयंतिया का राज मिला। जो दूसरे बेटे थे गुरक, उन्हें गौर का राज्य मिला। और तीसरे बेटे थे लुड्डक, उनको लौर का राज्य मिला। अब लौर और गौर ये प्लेन्स में आते थे, जो आज का जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, वो ये राज्य वहाँ पर आते थे। जहाँ पर एक पावरफुल राज्य था, बड़ा और पावरफुल राज्य था जयंतिया का, वहाँ पर अभी तीन राज्य बन गए, जयंतिया, गौर और लौर। अब ये जो पूरा जो क्षेत्र था, वो उस समय, ये हम बात कर रहे हैं 8वीं-9वीं शताब्दी की, ये बहुत ही अपनी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था। यहाँ पर जो हनी काफ़ी प्रमाण में मिलता था, यहाँ पर पेड़ और खनिज, ये पेड़
और जो अगरवुड है और ये सब यहाँ पर काफ़ी था। तो उस समय जो बाहरी है मुल्कों से, हम कह सकते हैं मतलब मेनलैंड इंडिया से या बर्मा से या अलग अलग प्रांतों से काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर ट्रेड और व्यापार बढ़ने लगा। अब और एक बात राजा जयंतक के समय यहाँ पर होती है कि उससे पहले जो जयंतिया लोग हैं, अपनार लोग हैं, वो उनके अपने देवता थे, वो अपने बिलीव्स थे, अपने सिस्टम्स थे। लाइक फॉर एग्जांपल उनका जस्ट आई मीन बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के जस्ट पास में ही उनके जो जयंतिया राजाओं के मेगालिथ, बड़े बड़े मेगालिथ हमें मिलते हैं, तो उनका एक अपना वो सिस्टम में बरियल्स हुआ करते थे। अब जयंतक के समय जब बाहर से व्यापारी यहाँ पर आते हैं तो मोस्टली ये बुद्धिस्ट व्यापारी थे, और बुद्धिस्ट मतलब जो वज्रया या तांत्रिक बुद्धिज़्म जिसे बोलते हैं। तो स्लोली स्लोली जो उनके जो लोकल बिलीव्स थे वो बुद्धिस्ट बिलीव्स और फिर जो तांत्रिक हिंदुइज़्म है उनमें ये मिक्स होने लगे, और आगे चल के जैसे जब हिंदू धर्म का और प्रभाव यहाँ पर हुआ तो यहाँ के जो राजा थे जिसे वो शाक्त या तांत्रिक हिंदुइज़्म में बिलीव करते थे, जो माँ शक्ति की पूजा होती थी। अब ऑल्सो यू नो अलग अलग थ्योरीज हैं कि जयंतिया ये नाम इस रियासत का कैसे पड़ा। एक थ्योरी ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा उनका जो कैपिटल था जयंतियापुर, जो आज बांग्लादेश में है, वहाँ पर जयंतेश्वरी देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था, तो उससे इस राज का नाम जयंतिया पड़ा। दूसरी थ्योरी ये है कि राजा जयंतक थे, उनके नाम पे ये पड़ा। तीसरी थ्योरी ये है कि जो उनका अपनार टाइप का जो ट्राइब का जो भाषा है तो उनमें यू नो ये जयंतिया ये शब्द है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग थ्योरीज हैं। राजा जयंतक के बाद यहाँ पर आई मीन कई शासकों ने राज किया, पर अभी आई मीन अराउंड 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद इस राज्य पर खतरा बढ़ा। इसका कारण ये था कि उनके उत्तर में एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, वो था द अहोम किंगडम ऑफ असम, और दक्षिण में था बंगाल सल्तनत। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो दो भारत के सबसे पावरफुल राज्य थे, उत्तर में द अहोम किंगडम ऑफ असम और दक्षिण में द बंगाल सल्तनत, और बीच में बिल्कुल सैंडविच की तरह पिसे हुए थे ये जयंतिया, गौर और लौर राज। और यू नो आई मीन टू मेक मैटर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो कूच बिहार क्षेत्र है, जो हम वेस्टर्न असम बोल सकते हैं, वहाँ पर और एक पावरफुल किंगडम था कामतापुर। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, हारते थे, जीतते थे, ट्रिब्यूट देते थे, तो ये लड़ाई का दौर शुरू हुआ। बाद में जो लौर और गौर जो किंगडम्स थे, जो प्लेन्स, जनरली प्लेन्स में सिचुएटेड थे, वहाँ पर बंगाल सल्तनत का बहुत बड़ा हमला हुआ। अब लोगों का ये कहना है कि इसका कारण ये था कि जो काफ़ी इस्लामिक मिशनरीज इन राज्यों में जाकर बस गए थे, और उन्होंने गो हत्या, अभी नहीं ये एक थ्योरी है, एक कहानी है इनफैक्ट, कि जो वहाँ पर जो मिशनरीज गए थे उन्होंने जो काउ सैक्रिफाइस करना शुरू किया या इसके लिए, और उसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और फिर उन्होंने जब राजाओं ने इन इस्लामिक मिशनरीज को पनिश किया, तब उन्होंने बंगाल के सुल्तान से मदद मांगी, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ बंगाल सल्तनत का गौर और लौर राज्यों पर। और ये जो पूरा जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश है, जो ओरिजिनली एक जयंतिया इलाका था, वो बंगाल के सुल्तानों के अंडर चला गया। सिर्फ जो जयंतिया का हिस्सा है, जो जयंतिया हिल्स और एक छोटा हिस्सा जो बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जहाँ पर जयंतियापुर जो उनका कैपिटल है, वो जयंतिया राजाओं में उनके उनके कब्ज़े में रहा। बाद में जो बंगाल सल्तनत है वो ख़त्म हो गई, और वहाँ पर मुगलों का राज आया, तो मुगलों के भी हमले हुए जयंतिया पर एंड ऑल, पर
देखिए, ये ट्राइबल किंगडम्स थे, ये पहाड़ी किंगडम्स थे, तो मुगलों को जब तक ये जो राज्य हैं वो उन्हें ट्रिब्यूट दें, उन्हें वैसे तो कंट्रोल करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, ना ही उसका बहुत कोई ऐसा स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस था कि स्ट्रेटिजिक पासेस थे, तो वो जो ये जो जयंतिया के राजा है वो मुगलों को ट्रिब्यूट दिया करते थे, कभी ट्रिब्यूट बंद करते थे, तो ये जो थोड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते रहते थे, पर जयंतिया का अपना राज चलता रहा। हम राजाओं के नामों से देख सकते हैं कि कैसे हिंदुइज्म का जो उनकी जो लोकल रिलीजन है उसके बाद जैसे हिंदुइज्म स्ट्रॉन्ग होता गया इस इलाके में, बिकॉज पहले जैसे राजाओं के नाम होते थे वैसे आप देख सकते हैं राजेंद्र सिंह और ये सिंह वो सिंह, तो एक संस्कृताइजेशन जिसे हम कहते हैं वो हुआ। 1760s में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासे की लड़ाई के बाद जब बंगाल पर अपना कब्जा जमाया, तब उन्हें जयंतिया में बहुत इंटरेस्ट था। उसका एक कारण ये था कि जो लाइमस्टोन या लाइम की जो क्वारीज थी बंगाल में, वो सारा सप्लाई जयंतिया राज से ही आता था, और उसकी वजह से अंग्रेज़ों में और जयंतिया के राजाओं में काफ़ी अनबन भी हुई। फिर अंग्रेज़ों ने फोर्टिफिकेशंस बनाए अपने मतलब जयंतिया राज के दक्षिण में, ताकि उस राज्य को आइसोलेट किया जा सके, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। बाद में 19वीं सदी की शुरुआत में जो बर्मीज़ है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर बहुत बड़ा हमला किया, और मणिपुर, त्रिपुरा, कचार, जयंतिया, यहाँ तक कि पूरा जो असम वैली है उस पर वो वहाँ तक पहुँच गए, और उस समय ये जो राज्य थे जैसे जयंतिया भी, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया बर्मीज इन्वेडर्स के खिलाफ। फिर बाद में जो ट्रीटी ऑफ यांडबू हुई उसके बाद अंग्रेज़ों ने असम वैली को अनेक्स कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो उसके बाद जो जयंतिया राजा है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इलाकों से घिर गया। अब अगर आप देखें द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, दिस वाज द हाइट ऑफ इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक के बाद एक उनको तो राज्य निगलने थे, अपनी सत्ता बढ़ानी थी, तो 1820s में ये एक कहानी फैलना शुरू हुई कि जो ये जो जयंतिया के राजा हैं वो अंग्रेज़ों को पकड़कर काली माँ के सामने बलि देते हैं, और उस खून से वो जो जयंतिया की राजकुमारी है वो उस खून जो बलि के खून से नहाती हैं, और अभी ये कितनी सच है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहानी बनाई थी ये हम नहीं जानते हैं, पर हुआ ये कि 1821 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिगेशन लगाया कि आपने अंग्रेज़ों को पकड़कर उनकी काली माँ के सामने उनकी बलि दी है, ये आप बंद करें दिस थिंग। उसके बाद फिर से 1835 में अंग्रेज़ों ने ये दावा किया कि जो जयंतिया के राजा है उन्होंने 3 अंग्रेज़ों को किडनैप किया था, और फिर से जो काली माँ है उनके सामने बलि देकर वो जयंतिया की रानी जो उस खून में नहाई थी। इसी एलिगेशन के चलते उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज जयंतिया में भेजी, और अराउंड 15th मार्च 1835 को ये जो राज्य है वो जब्त कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। जो जयंतिया के राजा है उन्हें जो जयंतियापुर है जो आज सिलेट डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर कुछ जागीरें और प्रॉपर्टी दी गई, और ये पूरा जो इलाका है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पर कहानी यही नहीं ख़त्म होती है, बिकॉज यू नो अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, आई मीन दे वर कॉलोनियल मास्टर्स, तो उस समय क्या होता था, ये जो जयंतिया लोग हैं उनके या अपना ट्राइब है उनके अपने विलेजेस होते थे जो डलोई के अंदर होते थे, और फिर उसके ऊपर राजा हुआ करता था। तो ये जो जयंतिया लोग हैं उनकी अपनी सोसाइटी थी, अपने ट्रेडिशंस थे, और वो साल में एक बार अपने राजा को बकरी
के फॉर्म में ट्रिब्यूट दिया करते थे एंड दैट वाज इट। अब अंग्रेज बीइंग इम्पीरियल मास्टर्स, उनको एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि उनका ये दावा था कि ये जो जयंतिया है, हमने जयंतिया लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ हमने उनके राज्य को जब्त किया है बट द थिंग इज़ ये लोग टैक्स नहीं देते हैं एंड द ओनली रीज़न फॉर द इम्पोजिंग द टैक्स वॉज कि अंग्रेज चाहते थे कि जयंतिया लोगों को पता चले कि अब ये हमारा राज्य है और हम उनके अधीन हैं। तो दे केम अप विद दिस आइडिया कि हम हाउस टैक्स लगाएंगे और हर घर पे ये जयंतिया लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अब आई मीन इट वाज वेरी अनफेयर और ये आई मीन उसका कोई इकोनॉमिक रीज़न नहीं था, वो सिर्फ कुचलना चाहते थे इन लोगों को। तो उसकी वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट इस क्षेत्र में बढ़ने लगा। फाइनली 28 दिसंबर 1861 को क्यांग नांगबा करके उनके जो जयंतिया लीडर थे, उनके जो लीडरशिप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उन्होंने जंग की, एक साल जंग हुई पर अनफॉर्चुनेटली वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सामना नहीं कर सकते थे और फिर उनको फांसी दे दी गई 1862 में। और ये जो है वो असम प्रोविंस, ये जो पूरा क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। बाद में जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट है वो ओरिजिनली असम का डिस्ट्रिक्ट था और उसमें ऑलमोस्ट इक्वल 50-50 पॉपुलेशन था हिंदू और मुस्लिम्स का। जब भारत आज़ाद हुआ और जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश और मुस्लिम लीग ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर हम रेफरेंडम लेंगे, कि हम सिलेट के लोगों को पूछेंगे कि वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं या ईस्ट पाकिस्तान। और बहुत कम मेजॉरिटी से द रेफरेंडम वॉज इन फेवर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और इस तरह जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है वो असम से जुदा करके वो ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। और इस तरह से जो ओरिजिनली जो जयंतियापुर, जो जयंतिया रियासत की राजधानी थी, जो फिर बाद में असम का हिस्सा बनी, वो फिर बाद में बांग्लादेश में चली गई। आज जो जयंतिया ट्राइब है वो काफ़ी फल फूल रही है, उनके अपने यू नो ऑटोनमस सिस्टम्स हैं वहाँ पर, प्लस जो उनके जो मेगालिथ्स हैं, बहुत खूबसूरत मेगालिथ्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे है, वो यू नो आप जाके देख सकते हैं। फिर और जो बांग्लादेश में जयंतियापुर में उनकी राजबारी अभी भी है, सैडली वो बहुत ख़राब हालत में है, पर अगर आप बांग्लादेश जाएं और सिलेट डिस्ट्रिक्ट अराउंड 43 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलेट टाउन जयंतियापुर है, वहाँ पर उनका महल भी बना हुआ है। तो ये थी कहानी जयंतिया रियासत की।